अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूं मैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं करेले की रेसिपी। भरवा करेले की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूं। तो इन भरवा करेलों में स्पेशल ये है कि ये मैंने सोयाबीन के कीमे से बनाए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, भरवा करेले बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। मैंने चॉप करी हुई प्याज ली है, चॉप करी हुई मैंने हरी मिर्चें ली हैं चॉप करके, बारीक चॉप करके मैंने टमाटर लिए हैं, और ये है सोयाबीन का मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और इसका मैंने कीमा बनाना है। और ये मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंगे हैं, और 6 से 7 काली मिर्चें हैं, और तेजपात है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, और ये सूखे पाउडर मैंने लिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक मिला लिया है इसमें, और ये है लहसुन का पेस्ट, और ये थोड़ा सा दही लिया है मैंने 1 कटोरी में। तो ये सभी हो गए इंग्रेडिएंट्स मेरे रेडी। तो मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, और खड़े मसाले भी मैंने जो लिए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मुझे लो फ्लेम पे इसे लाइट ब्राउन करना है, थोड़ी देर के लिए मुझे इसे भूनना है, और ये अच्छे से भुन जाएगा लो फ्लेम पर ही, वरना तो जल जाता है अगर इसकी हाई फ्लेम कर देंगे हम। और ये भुन चुका है, इसमें अब मुझे जो कट करी हुई ऑनियन थी ये मैंने इसमें ऐड करनी है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी सारी ऑनियन को। और ये मैंने ऑमलेट स्टाइल में प्याज कट की है बारीक बारीक, तो इसी तरह से मैंने प्याज कट की है ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इस सारी प्याज को तेल में फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ज़्यादा डार्क ब्राउन मुझे नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट पिंकिश, प्याज को पिंकिश सा मैं रहने दूँगी। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं थोड़ी सी, जो कि मैंने कट करके रखी थी, ये देखें, और 2 मिर्चें मैंने स्लिट कट भी की थी बीच में से चॉप कट करके डाली है मैंने इसमें, और तेज़पात जो मैंने लिए थे 2 से 3 तेज़पात भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, इतने ही मैंने ये करेले ले लिए हैं, और इन करेलों को मैंने बीच में से चीरा लगा के अच्छे से, और हल्दी और नमक लगा के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और ये इसका ऊपर से जो छिलका निकला है ये भी मैं यूज़ करूँगी किसी दूसरी सब्ज़ी में, तो इसको मुझे सुखा देना है, मैं इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। और ये करेले, आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे या आधा घंटे भी इन्हें नमक और हल्दी लगाकर रख सकते हैं। और अब मुझे इन्हें करना था फ्राई, तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इनको अच्छे से पलट पलट के इनको फ्राई कर लूँगी, और दूसरी साइड पे प्याज मेरी ब्राउन हो रही है, पिंकिश हो रही है, ज़्यादा डार्क ब्राउन मुझे नहीं करनी है, जलानी नहीं है मुझे प्याज। तो अभी फ़िलहाल ये करेले मैं सेक रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई, ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करने हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच, और ये देखें इस तरह से करेले का टेक्सचर हो गया है, करेले हल्के हल्के से ब्राउन इस पे स्पॉट्स आने लगे हैं। और अब यहाँ पर मैं बारीक कट करे हुए टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे, आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं टमाटो की। और यहाँ पे ये जो मैंने सूखे मसाले लिए थे उनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने, और इसको भी अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है, भून लूँगी, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसमें आप सभी चीज़ें डाल के अच्छे से, और मैंने भून लिया था उसको 5 से 6 मिनट के लिए, फिर इसके बाद मैंने दही ऐड की थी, 3 से 4 चम्मच दही थी मेरे पास, और इसको अच्छे से मैं लो फ्लेम करके रख दूँगी लिड लगाकर, ताकि लो फ्लेम पर हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। और ये देखें कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है, और रोगन भी इसमें आ गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोयाबीन, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा था सोक करने के बाद काफ़ी देर, और इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था, और इसको मैं अब इस मसाले में जो कि अच्छे से भुन चुका है उसमें मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है इस तरह से। और जैसे कि ये अच्छे से नहीं मिक्स हो पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, मसाले अच्छे से कोट हो जाएँ सोयाबीन के ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड इसमें किया है, आप अपने अकॉर्डिंग
पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी रखा है ताकि मसाले और अच्छे से भुन जाएं और ये सोयाबीन भी थोड़ी सी अच्छे से पक जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसके बाद में मैंने इसको अच्छे से चला लिया है, अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने फिर से इसे लिड से कवर कर दिया है। 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ। लिड मैंने हटा के देखा है, ये देखें इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से हो गई है। पानी जो इसमें मैंने ऐड किया था वो सब ख़त्म हो चुका है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, इसमें लिक्विड नहीं रहना चाहिए। पानी वगैरह मैंने सारा अच्छे से सुखा दिया है इसका। और उसके बाद इस बैटर को हमें करना था फिल करेलों में, जो कि मैंने फ्राई करके एक साइड पर रख लिए थे, ये देखें। और इस तरह से हम धीरे धीरे भरते जाएंगे और भरने से पहले इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे इसका नमक वगैरह। आप चाहें तो इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर या फिर खटाई वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैंने स्किप किया है, मैंने खटाई इसमें नहीं डाली थी। और ये बिल्कुल कीमे की तरह बन गया था, बिल्कुल कीमे की तरह लग रहा था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। और ये सारे करेले मैंने फिल कर लिए हैं, उसके बाद मैंने इसे थ्रेड से अच्छे तरह से बांध दिया है ताकि ये खुले ना, ये देखें। अच्छे से इन्हें बांधने के बाद फिर से मुझे एक बार इनको कुक करना है, क्योंकि करेले में अभी भी कच्चापन था, सिर्फ मैंने इसको फ्राई किया था। तो फ्राई करने से कुक नहीं होते हैं ये अच्छे से, हल्का सा इसमें कड़वापन रह ही जाता है, तो इसलिए अभी मैं इनको थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने ऐड किया है। और जो मसाला इसका बच गया था वो मैंने एक साइड पर प्लेट में निकाल लिया है और ये सभी करेले मैंने कढ़ाई में इस तरह से रख दिए हैं। उसके बाद में जो बैटर मैंने बचाया था इसका करेलों का, वो मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है इस तरह से, ताकि अगर मैं उसे नीचे छोड़ दूंगी तो वो जल जाएगा और करेले अच्छे से नहीं पक पाएंगे और मसाला जले ना, इसलिए मैं इसे ऊपर से फैला रही हूँ, ऊपर से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे पानी भी ऐड करना था ताकि स्टीम में अच्छे से, उस पानी के स्टीम में अच्छे से करेले पक जाएं, कुक हो जाएं। और लो फ्लेम पर करके मैं अच्छे से इसे रख दूँगी। इस तरह से मैंने लिड से कवर कर दिया है। अब सिर्फ मुझे 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना था और वो कुक हो चुके थे, एक साइड पर मैंने उतार लिया था। और ये मैं तड़का लगाने की ऊपर से तैयारी कर रही हूँ। एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था और ये ली थी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल में वो एकदम से जल जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और तेल मैंने गरम करके उसको ठंडा कर लिया था, तब फिर मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद ये ऊपर से मैंने डाल दिया है इस ऑयल को और ये काफ़ी अच्छी सी इसमें रोगन आ जाता है, काफ़ी अच्छा रोगन इसमें आ जाता है। इस तरह से इस ट्रिक को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी में अगर रोगन नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं किसी भी डिश में, तो काफ़ी अच्छी तरी और रोगन उसमें आ जाता है। तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके हैं करेले बन के, और अब मैं फ्लेम को कर लूँगी ऑफ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ये देखें कितने सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुए थे, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था उसी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे करेले। और ये देखें इस तरह से मैंने करेले निकाल लिए हैं एक प्लेट में, मैंने डिश आउट कर दिया है, ये देखें। और कितने टेस्टी ये बनकर रेडी हुए हैं, ये जितना देखने में अच्छे लग रहे थे उतना ही इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था खाने में, ये देखें। आप ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छी लगे मेरी आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।